ओके okay, सो so, uh, जो है इन द लास्ट क्लास हमने ये न्यूमेरिकल करा था क्या याद है जिसका आंसर हमारा आया था अराउंड टेन सेंटीमीटर जीरो पॉइंट है कंप्लीट करा था इन दिस क्लास जो हमें टॉपिक पढ़ना है दैट इज पास्कल प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो है आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा जो है दिख रहा होगा कि भाई अगर थोड़ा सा हम पुश करते हैं तो पूरा उसका इफेक्ट इतना होता है मतलब अगर मैं थोड़ा सा प्रेशर एक्जर्ट कर रहा हूँ या मैं थोड़ा सा फोर्स अप्लाई कर रहा हूं एक जगह पे तो दूसरी जगह पे बहुत ज्यादा अमाउंट में फोर्स या प्रेशर अप्लाई हो रहा है ठीक है तो इस लॉजिक को हमें थोड़ा सा समझना है कि सर ऐसा कैसे होता है मैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बटन क्लिक करने पे मैं कार को भी उठा सकता हूँ ठीक है तो कैसे क्यों इन सब का आंसर हमें इस क्वेश्चन इस टॉपिक में मिलेगा एक्चुअली ठीक है तो ध्यान से देखो आपके स्क्रीन पर एक फिगर दिख रहा होगा कि जो है ये आपका ये वाला जो सरफेस है एंड ये वाला सरफेस इन दोनों में क्या यही डिफरेंस है कि सर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ए वन है एंड सर इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज ए टू ठीक है एंड इन दिस केस सर हमें ये भी दिखाई दे रहा है कि सर ए टू की वैल्यू ए वन से बड़ी है इज दिस क्लियर टू एवरी वन क्या ये सभी को दिख रहा है यस सर चलो अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ सर, सर हमने तो ये सीखा है ना कि सर अगर एक ही लेवल हो एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उनमें जो प्रेशर की वैल्यू होती है वो क्या होती है सपोज इफ दिस दिस पॉइंट पॉइंट इज ए एंड ऑफ बी देन सर जो PA की वैल्यू होनी चाहिए वो पीबी में जो प्रेशर की वैल्यू है वो कितनी है क्या सर वो एफ वन अपॉन एवन है और सर इस केस में जो प्रेशर की वैल्यू है दैट इज एफ टू अपॉन ए टू और सर पी वन अगर पी ए इज इक्वल टू पी बी अगर मैं लिखूं दैट मींस एफ वन अपॉन एवन शुड बी इक्वल टू एफ टू अपॉन ए टू नो Yes, yes no? अब ध्यान देखो बस यही आपको यही एक न्यूमेरिकल है जिससे हमें सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी ठीक है जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं ठीक है तो अगर जो है पहली बात तो ये सिंपल सा है कि भाई जो पास्कल साहब ने बताया था ही सेड कि द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट इन एन एनक्लोज बॉडी इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली इन द एवरी पार्ट ऑफ द फ्लू तो अगर आप किसी एक जगह पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो वो यूनिफॉर्मली हर जगह पे ट्रांसफर होता है बट अब हमें ये थोड़ा सा देखना है कि सर अगर मैं यहाँ पे आपको जो है यहाँ पेर इज अ बॉटल जिसमें से लिक्विड भरा हुआ है और ये पिस्टन जैसा शेप है डू यू अंडरस्टैंड वॉट इज पिस्टन क्या हमें पता है कि पिस्टन जैसा शेप क्या होता है जो गाड़ियों में लगा होता है पिस्टन ठीक है वो ऊपर नीचे मूवेबल होता है दैट कैन बी मूव पता है क्या हमें यस सर डू वी हैव अबाउट पिस्टन तो ये पिस्टन जैसा कुछ शेप है तो मैंने क्या किया कि सर मैंने यहाँ पे जो है फोर्स लगाया एफ इन कितना फोर्स लगाया एफ इन ठीक है

और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए है ठीक है तो मुझे पता चल गया कि सर जो एफ इन की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए पी टू इन टू एस नो क्या यही होनी चाहिए यस यस सर, सर। ठीक है और बच्चों यहाँ पे जो एफ आउट की वैल्यू होनी चाहिए या फिर जो पीछ स पी वन है इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है दैट इज पी वन ठीक है जो पी वन की वैल्यू होनी चाहिए और अगर मैं यहाँ पे एफ आउट की वैल्यू फाइंड करूँ तो उसकी वैल्यू क्या पी वन इंटू ए होगी बट हमें ये पता है कि सर पी वन और पीटू की जगह क्या मैं पी वन की जगह एफ इन अपॉन स्मॉल ए लिख सकता हूँ क्या इज इक्वल टू एफ फाइनली देखो जो फॉर्मूला आ रहा है निकल के दैट इज समथिंग एफ आउट इज इक्वल टू एफ इन इंटू कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए ठीक है क्या इसका मतलब ये पता चला कि सर लेट सपोज कि अगर आप यहाँ पे मैं बहुत थोड़ा सा फोर्स लगा रहा हूँ ठीक है और अगर मुझे इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट डालना है ठीक है बहुत ज्यादा इफेक्ट करना है तो आप क्या करोगे आप इसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर दो ये कैपिटल ई e की वैल्यू आप जितनी इंक्रीज करोगे अफोर्ट की वैल्यू उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी क्या हम समझ पा रहे हैं क्या हमें समझ में आ रहा है ठीक yes, है और ये स्मॉल की वैल्यू इसको आप जितना छोटा करोगे मतलब जितना आप स्मॉल करोगे उसमें उस भी आउट की वैल्यू होगी तो इन मैंने बहुत छोटा रखा है और मैंने कैपिटल ए बढ़ा दिया और स्मॉल ए बहुत छोटा कर दिया तो मेरा फाइनल आउटपुट वट आई आई वॉन्ट आउट शुड बी मोर तो आउट को अगर मुझे बहुत ज्यादा करना है तो मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए के सर्फेस uh, एरिया में जो है चेंजेस करूंगा एंड आई विल गेट द लार्जर फोर्स एट वन पॉइंट इज दैट क्लियर टू एवरी वन Yes, yes, तो सोच के yes. देखो अगर मैं आपको कि सर मैं यहाँ पे वन न्यूटन फोर्स लगा रहा हूँ और यहाँ पे मुझे हजार न्यूटन फोर्स चाहिए ठीक है क्या पॉसिबल है क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल की न्यूटन बोली, की वन न्यूटन बोली है तो मैं कैपिटल ए और स्मॉल ए में वेरिएशन करके मैं थाउजेंड न्यूटन इसको बना सकता हूँ बोलो क्या समझ में आ रही है हमें बात यस सर बिल्कुल आ रही है ठीक है तो ये जो है जो पढ़ाया दैट इज समथिंग वो है फिर ये चीज है अगेन मतलब ये चीज मैं बार बार इसलिए प्रेजेंटेशन में डाला हुआ है हम इस चीज को हमें हमेशा दिमाग में रखना है कि सर सेम लेवल पे जो प्रेशर होता है वो सेम होता है तो भाई एक्स पे वाई पे जेड पे जो प्रेशर है दैट इज सेम होता है सर तो शेप चाहे कुछ भी हो ए बी और सी तीनों जगह पे प्रेशर की वैल्यू क्या है सेम इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन शेप इसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा हुआ है अदरवाइज आप जाके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो अगर आपको नहीं पता है ना तो एनी ठीक है लेट सपोज जो है ये आपको कुछ ऐसा शेप दिख रहा है अम्ब्रेला शेप ठीक है लेट सपोज ये अम्ब्रेला शेप का एक वेसल है अम्ब्रेला शेप शेप का एक वेसल है और अगर अम्ब्रेला शेप के वेसल पे भी अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ पे एक लाइन ड्रॉ करूं तो इस लाइन पे हर जगह प्रेशर सेम होगा सर यहां पे जो प्रेशर होगा वही प्रेशर यहाँ पे भी होगा यस और नो अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ करूँ तो सर जो प्रेशर यहाँ पर होगा वही प्रेशर यहाँ पर होगा यस और नो तो पी एक्स की वैल्यू पी वाई की इक्वल होगी यहाँ पे पी एक्स कितना होगा ये पी नॉट है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस में रो अगर इस लिक्विड का जो आपकी डेंसिटी वो रो है जी और ये अगर ये एक्स है तो ये रो जी एक्स इज इक्वल टू तो पी नॉट प्लस में रो जी. दोनों सेम है अगर ये दोनों एक्स और वाई इक्वल है तो मतलब बेसिकली ये दोनों डिस्टेंस सेम है, है एक्जैक्ट ये ये तो हमें पता भी था पहले से yeah. ठीक है तो ये छोटा सा क्वेश्चन जैसा भी था कि सर इसमें क्वेश्चन जैसा कुछ था ही नहीं हमें पता ही है सर कि सेम लेवल पे सेम अगर सेम लेवल और सेम लिक्विड हो तो प्रेशर की वैल्यू सेम होती है अब कोई ऐसा मत बोलो कि सर यहाँ पे जो प्रेशर है ये एम पॉइंट पे सर ये पी एक्स इक्वल टू पी एम इज इक्वल टू पी वाई होगा नो सर बिकॉज देर इज नो लिक्विड ठीक है यहाँ पे लिक्विड ही नहीं है तो इसलिए ये पॉइंट हमने लिखा हुआ है कि सर सेम लेवल हो और सेम लिक्विड हो सेम लेवल एंड सेम लिक्विड शुड बी देयर देन एंड देन वी कैन से ठीक है चलो ये क्वेश्चन छोटा सा इसका बताओ क्या आंसर आएगा सोच के देखो सर ये पॉइंट एक्स है सर ये पॉइंट वाई है ठीक है ये इसमें एक लिक्विड यूज करा है दिस इज द फर्स्ट लिक्विड और एक दूसरा लिक्विड यूज करा है फर्स्ट वाले लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रोवन है सेकंड वाले लिक्विड की जो डेंसिटी है दैट इज आपको जो है ये बताना है कि भाई एक्स और वाई पे जो प्रेशर की वैल्यू वो सेम होगी या अलग अलग होगी सोच के देखो देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने तो ये सीखा है ना कि सर सेम लेवल पे क्या हमने सेंटेंस लिखा था प्रीवियस स्लाइड में अगर जाओ तो, तो देखो क्या लिखा है सर सेम लेवल सेम लिक्विड

सर अगर जो सर ये वाइप पॉइंट है सर अगर वो दूसरे वाले लिक्विड में होता है तो सर आंसर सी आता अगर यहां पे होता सपोज ठीक है यहां पर होता और ये यह पॉइंट यहां पर होता ठीक है ये सेम लेवल हो गया ठीक है बट क्या सेम लिक्विड है ये लिक्विड और ये लिक्विड सेम है क्या नो सर नो सर तो आंसर क्या आता अलग आता आंसर वही आता रोवन और रोटू में हम रिलेशन देखते कौन ज्यादा कौन कम जो बड़ा होता दैट शुड बी मोर इज दैट क्लियर यस सर ठीक है इस केस में देखो इस केस में दोनों लिक्विड सेम है जो जो आप पॉइंट ले रहे हो दैट पॉइंट शुड बी सेम ठीक है एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और क्लैरिटी के लिए जो आपने पूछा मुझसे कि सर यहां पे बता दीजिए मुझे कि सर, x है और ये पॉइंट आपका y है दिस इज द फर्स्ट लिक्विड इज द सेकंड लिक्विड हैज डेंसिटी इज रो व्हाट वुड बी द आंसर ए बी सी डी सोच के देखो सर हमें सेम लेवल तो दिख रहा है क्या ये सेम लिक्विड है कैन यू okay. सेम लिक्विड है नहीं है है ना सेम लिक्विड नहीं है सर इसका इसका लिक्विड लिक्विड अलग अलग है और अलग है और ठीक है दोनों की डेंसिटी अलग अलग है तो मतलब पक्की बात है कि सर ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट है ये तो नहीं सही है अब हमारे पास बचते हैं फर्स्ट इज बी एंड हमें देखना है कौन सा करेक्ट है तो हमें क्वेश्चन में रोवन की वैल्यू रोटू से बड़ा है रोवन की वैलू रोटू से बड़ा है सर रोवन की वैल्यू अगर रोटू से बड़ा है तो इट्स वेरी ऑब्वियस क्योंकि पी का फॉर्मूला ही क्या होता है सर रोजी एच होता है तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो है तो so जिसकी डेंसिटी बड़ी उसका प्रेशर बड़ा यस सर नो तो पक्की बात है yes सर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी एस सी सोच के देखो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बोलना पड़ेगा आप लोगों को कौन सा बी एस अरे बोलो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सी अभी अभी मैंने बी एक्सप्लेन करा तुम सी कह रहे हो सी क्यों बताना जरा सा मुझे मैंने तो ये बोला ना सर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है सर रो है है ना पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रो आ रहा है ना तो सर जिसका डेंसिटी बढ़ा उसका प्रेशर बढ़ा बट बड़ यहाँ पे एक और फैक्टर है जिसको मैंने नहीं बताया जो आपको ध्यान रखना था कि सर ये बिल्कुल एक्स पर है मतलब ये बिल्कुल सरफेस पर है सरफेस पर है तो हम नीचे तो जा ही नहीं रहे इसका मतलब पक्की बात है ये जो प्रेशर होगा दैट शुड बी इक्वल टू एटमोस्फेरिक प्रेशर तो जो पी की वैल्यू है वो तो पी नॉट की ही इक्वल है यस सर ठीक है और sir. जो पी की वैल्यू है बच्चों वो देखो वो वैल्यू क्या है सर आप इस लिक्विड से नीचे जा रहे हो कितना नीचे जा रहे हो सपोज एक्स जितना नीचे जा रहे हैं ठीक है उससे फर्क ही नहीं पड़ता तो पी नॉट प्लस समथिंग तो है ना प्लस समथिंग क्या है सर रोजी एक्स आपने जितना नीचे गए या रोजी एच है तो P नॉट प्लस है तो पक्की बात है सर हो जाएगा और अगर दोनों का लेवल सेम होता ना बच्चा दोनों का लेवल सेम होता तो आंसर हो जाता आपका x और मतलब अगर ये भी इस लेवल तक होता तो px एक्स ग्रेटर होता फिर हम डेंसिटी वाला फैक्टर देखते हैं इस केस में डेंसिटी का फैक्टर आया ही नहीं is this clear? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत बढ़िया ठीक है सो दिस इज द ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट आप लोगों ने जो है फर्स्ट लेक्चर में भी मैं आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस कि हम लोग इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक है तो हाइड्रोलिक ब्रेक बेसिकली होता क्या है लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली व्हाट इज हाइड्रोलिक ब्रेक तो बड़े बड़े जो गैराज होते हैं बड़े बड़े सिटीज में ठीक है मेट्रो सिटीज में मेट्रो सिटीज में क्या होता है कि ट्रैफिक की बहुत प्रॉब्लम होती है जो बड़े बड़े गैराज होते हैं ना वहां पे बहुत सारे कार आते हैं बहुत सारे जो है व्हीकल्स आते हैं तो उनको पार्किंग में लगाने के लिए बहुत दिक्कत होती है तो हमने ना एक उन्होंने क्या करा एक है ना एक मैकेनिज्म बनाया है जिसको हाइड्रोलिक ब्रेक कहते हैं सॉरी हाइड्रोलिक लिफ्ट कहते हैं ठीक है उसमें क्या करते हैं हम कि यहाँ पे एक स्विच होता है यहाँ पे क्या होता है दिस इज अ स्विच दिस इज एक्चुअली स्विच इसको हम सिर्फ धीरे से प्रेस करते हैं प्रेस करते हैं ठीक है और यहाँ पे ना कार की एक एक करके पार्किंग होती है कि लेट सपोज पहला कार यहाँ पे आया और कार जो है यहाँ पे जो है यहाँ पे इसको स करा ठीक है पहली कार को ये एक एक इंसान रहेगा यहां इस बटन को प्रेस करेगा इस बटन को जैसे उसने प्रेस करा तो क्या होगा जैसे उसने यहां पे प्रेस करा तो सीधे 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 कहां जाएगा थोड़ा सा प्रेस करा और ये चला जाएगा ऊपर कितना ऊपर जाएगा जितने ऊपर में इसका पार्किंग का स्लॉट होगा ठीक है पार्किंग का स्लॉट है तो यहां पे गया फिर गाड़ी जो है यहाँ पे जो है आगे की तरफ चला जाता है यहाँ पे पार्क करके फिर यहां से इंसान निकल जाता है ठीक है वॉट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इन दिस टॉपिक एज ये तो हो गया भाई ये प्रैक्टिकली इसका क्या यूज है प्रैक्टिकली हाइड्रोलिक लिफ्ट कैसे वर्क करता है क्या इसकी मैकेनिज्म मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत है ये तो मैंने पहले भी करा ना कि सर यहाँ पे प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर दोनों जगह पे सेम होगा लेट्स अगर मैं इस प्रेशर की, की बात करूं दोनों प्रेशर सेम है क्योंकि मैं सेम लाइन की बात कर रहा हूँ ठीक है बट क्या दोनों का फोर्स सेम है तो आंसर है नहीं सर यहाँ पे जो एफ वन की वैल्यू है वो कितनी है जाएगी? P A1. हो जाएगी पी इंटू ए वन और सर यहाँ पे जो एफ टू की वैल्यू हो जाएगी पी इंटू ए टू सर पी की वैल्यू कितनी है सर वो है एफ क्या हाइड्रोलिक yes, ब्रेक सभी को क्लियर है कैसे वर्क करता है चलो क्लियर है तो फिर हमें काफी चीजें <coughs> पता है दोस्तों so, ये चीजें मैंने ऑलरेडी बताई है आप लोगों को ठीक है कि भाई अगर यहाँ पे मैं पी पे बात करू कि पी की वैल्यू कितनी होगी तो सर वो हो एफ इन अपन ए और यहाँ पे अगर मैं बात करू पे बात करूँ तो भी आप फाइंड कर सकते हो हो की वैल्यू कितनी जाएगी इन अपॉन ए प्लस में एच रोजी हाइट का ठीक है यहाँ पे फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा एफ इन अपॉन ए प्लस में एच रोजी ठीक है ना बाकी एफ आउट की वैल्यू एफ इन से बहुत बड़ी होती है क्यों होती है दैट इज समथिंग वी ऑलरेडी अंडरस्टूड इज दैट क्लियर टू एवरीवन क्या क्लियर है ये सभी को यस सर ठीक है ना अब <coughs> देखो जो हमारा नेक्स्ट है ना इसको हम कहते हैं ओपन ट्यूब मैनोमीटर ठीक है तो इसमें हमें ऐसा कोई रॉकेट साइंस जैसा नहीं है कि हमें ये कुछ ऐसी चीजें जो हमें समझ में नहीं आएगी इसमें बहुत सिंपल सा आपको मतलब हम स्टैटिक फ्लूड का दिस इज थर्ड लेक्चर ऑफ स्टैटिक फ्लूड

ठीक है इसके अंदर गैस ऐसे फील्ड है ठीक है और मुझे ना इस पे प्रेशर फाइंड करना है क्या फाइंड करना है मुझे प्रेशर फाइंड करना है कि इसके अंदर कितना प्रेशर है पी इंटरनल फाइंड करना है ठीक है तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं और लेट सपोज ये बाहर का प्रेशर पी एटमोस्फियर है और हमने एक इंटेंसली इसमें एक लिक्विड डाला है जो लिक्विड लेट सपोज यहां तक है यहाँ तक की हाइट का है ठीक है तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं जरा सा सोच के देखो सोच के देखो क्या मुझे पी गैस की जो वैल्यू है क्या हम वो फाइंड कर सकते हैं कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी गैस देखो मैंने आपको बोला कि सेम लिक्विड सेम लाइन ये दो चीज आपको ध्यान रखना है तो ध्यान से देखो गैस इसमें कहां तक है सर इसमें गैस यहां यहां ये पूरा फील्ड है यहां 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 यहाँ सर यहां तक गैस फील्ड है क्या आपको दिखाई दे रहा है जो मैंने जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं यहां तक क्या गैस फील्ड है ये सभी को पता चल रहा है ये पूरा गैस है यस और नो क्या क्लियर है सभी को ये आई एम आस्किंग अगेन इज दिस क्लियर टू मैंने क्या कहा कि भाई ये जो पूरा गैसेस इसमें भरा हुआ है जो फील्ड है इन गैसेस की वजह से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है इन गैसेस की वजह से जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो प्रेशर बिल्ड हो रहा है जो प्रेशर इस पर लग रहा है ये वाला जो पॉइंट है ये वाला दैट वुड बी द सेपरेशन बिटवीन गैस एंड लिक्विड यस और नो यस ठीक है अब लेट्स सपोज इसी सेपरेशन पे मुझे है ना प्रेशर फाइंड करना है अल्टीमेटली अगर यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो किसकी वजह से ही लगेगा इन गैसेस की वजह से ही लगेगा

ठीक है तो ध्यान से देखो अगर मुझे इस इस पॉइंट इस पे प्रेशर फाइंड करना है तो मैंने ना यहाँ पे एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी ठीक है ये किस लिए ड्रॉ कर दी आपको पता है सर मैं यहाँ पे तो नहीं फाइंड कर सकता बट मैं दूसरी जगह पे तो फाइंड कर सकता हूं मैं यहाँ पे तो बिल्कुल कर सकता हूं अब यहाँ पे करना है तो क्या करना है सर मुझे ये हाइट देखना है कि ये हाइट कितनी है लेट सपोज ये हाइट एच है तो सर यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो हो जाएगा पी इज इक्वल टू पी नॉट पी एटमोस्पेरिक प्रेशर प्लस में एच रोजी या फिर रोजी एच और सर यही प्रेशर क्या यहाँ पे भी होगा क्योंकि सेम लिक्विड सेम लाइन है तो इसका मतलब जो पी गैस है वो पी के इक्वल है दैट इज पी नॉट प्लस में एच इज दिस क्लियर टू एवरी वन यस सर ठीक है ना अब सेम वही केस है कि भाई इस गैस का अगर प्रेशर फाइंड करना है पहले तो आपको इस कॉक को ओपन कर दो जैसे आप ओपन करोगे ठीक है फिर इसका एक लेवल सेट हो जाएगा और फिर जहां पे भी मतलब इस गैस की वजह से प्रेशर फाइंड करना है तो इस पॉइंट पे आप प्रेशर फाइंड कर दो और दैट विल बी द प्रेशर ऑफ दैट गैस ठीक है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मैनोमीटर कहते हैं ओ, ओपन ट्यूब मैनोमीटर करके कहते हैं इसे इस, मतलब आपको न्यूमेरिकल में ओपन ट्यूब मैनोमीटर बोलता है तो आपको समझ करा हमने सेम ला, लाइन और सेम लिक्विड बस वही कंसेप्ट का यूज करा है नथिंग एल्स इज क्लियर टू एवरी वन सर आपने वो ओपनोमी वो क्या है वापिस आप ओपन ये देखो ओपन ट्यूब मैनोमीटर क्या है कि भाई होता क्या है यहाँ पे अगर इसमें एक कॉक का यूज करा हुआ है कॉक का यूज करा है मतलब क्या है कि मतलब इसने यहाँ पे गैस को बंद करके रखा है मतलब गैस यहां से यहां नहीं जा सकता अब इसको आपको ओपन करना पड़ेगा ना आपको गैस का प्रेशर फाइंड करना है जब ओपन करोगे तो गैसे इस इस डायरेक्शन में फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करेंगी तो इसको आपको ओपन करना पड़ेगा तो इसको हम ओपन ट्यूब मैनोमीटर कहते हैं जहां पे ये कॉक अंदर नहीं होता जनरली ठीक है तो so बेसिकली क्या है मैं आपको समझा देता हूँ सिंपल सी चीज है कि ये ना एक गैस का कंटेनर है ठीक है इस गैस की वजह से कितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है हमें ये जानना है अब इस गैस की वजह से कितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है ये जानने के लिए या तो मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट का यूज करूं या तो फिर मैं अपने जो हमने फिजिक्स के थ्योरीज पढ़ी है उसमें फाइंड कर ले तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं यहां पे एक लिक्विड भर के ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना के लिक्विड भर के और यहाँ पे इसको कनेक्ट कर दो फिर मैंने इनको कनेक्ट कर दिया और फिर ये जो ओपन ये जो ये तो बंद था क्वाक जैसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको प्रेशर गेज बोलते हैं इसको मैंने बाहर निकाला तो इस ये पूरा का पूरा गैस जो है यहाँ पे आने की कोशिश करे। और करेगा और यहाँ पे ये प्रेशर बिल्ड करेगा और यहाँ पे प्रेशर बिल्ड करा इसने तो मतलब इस पॉइंट पे अगर मैंने प्रेशर फाइंड कर दिया तो ये जो पी है वो पी गैस के इक्वल है और पी गैस पी वाई को इक्वल है और हमने इजिली फाइंड कर लिया पी एटमोस्फेयर प्लस में एचरोजी दिस इज द मैथड की पूरे गैस की वजह से कितना प्रेशर आपका बिल्ड हो रहा है ठीक है यही uh, सेम चीज जो है आपके uh, जो uh, फ्लाइट वगैरह में अगर आप जाते हो तो वहां से वो लोग जो है एयर की स्पीड मेजर करते हैं उसको हम उसको हम uh, पिटॉट ट्यूब बोलते हैं ठीक है तो उसका भी अगर एप्लीकेशन आएगा विल, विल yes. चलो कुल cool.

ठीक yes, है और जैसे ही कुछ ऐसा होगा तो फर्स्ट केस में जो है यहाँ के जो मॉलिक्यूल थे वो इस डायरेक्शन में ऐसे प्रेशर बिल्ड कर रहे थे ऐसे प्रेशर बिल्ड कर रहे थे बस जब इसका शेप चेंज हुआ तो वो ऐसे ऐसे और ऐसे प्रेशर बिल्ड करेंगे परपेंडिकुलरली टू द सर्फेस ठीक है तो यहाँ पे दो चीजें आ जाएंगे कि सर अगर ये ए से इधर जा रहा है तो एम ए करके एक फोर्स लगेगा जिसको हम फोर्स कहते हैं ठीक है एम ए हाँ

So that would be under root A plus G और यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा जी स्क्वायर दैट मीन एम इन टू में जी इफेक्टिव इट दिस क्लियर टू एवरीवन क्या क्लियर है ये सभी को yes. चलो कूल ठीक है तो ये बात हो गई कि अगर मुझे जी एफेक्टिव फाइंड करना था तो कैसे करेंगे ठीक है बाकी यहाँ पे और ऐसे कोई बहुत ज्यादा वो कोई नहीं है कि भाई ऐसी कोई चीज़ है जो हमें समझ में ना आए ठीक है यहाँ पे हमें फोर्सेस को अगर इस पॉइंट पे देखना कितने फोर्सेस लग रहे हैं तो सर हमें दिखाई दे रहा है कि सर इस डायरेक्शन में जो है 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 इस डायरेक्ट एक, एक, तो ये लग रहा है, mg, ये लग लग रहा रहा क्या हमारा एम जी लेट सपोज अगर ये थीटा जितना इसमें डिस्प्लेस्ड हुआ है तो ये होगा नाइनटी माइनस थीटा और ये हो जाएगा थीटा और अगर ये थीटा हो गया तो सर ये वाला जो फोर्स होगा कितना हो जाएगा सर ये एम जी थीटा हो जाएगा क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या सभी को समझ में आ रहा है क्या सभी को समझ में आ रहा है ये आप इसे एक बार बोल फिर से देख लो कि पहले ना सर ये ऐसे मूव कर रहा था ये कुछ ऐसे शेप था ठीक है अब जब ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसका जो शेप है ना वो कुछ ऐसा चेंज हो गया लेट सपोज वो कितना एंगल से जो है टिल्ट हुआ है लेट थीटा जितना एंगल से टिल्ट हुआ है अब बच्चा अगर थीटा एंगल से टिल्ट हुआ है तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे अगर आ, कोई छोटा सा मैं पार्टिकल की बात करूँ तो इस पॉइंट पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा एम वो लगेगा कितना एम ठीक है और सर इस पॉइंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वो ये होगा ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा सर ये हो जाएगा नाइन्टी माइनस ठीटा क्योंकि सर ये एंगल नाइनटी है और ये वाला जो एंगल हो जाएगा ये वाला देट वुड बी थीटा क्या समझ में आ रही है चीजें क्या समझ में आ रहा है हमें ठीक है और सर ये वाला जो फोर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर एम जी कॉस थीटा ठीक है सर इस डायरेक्शन में एम ए लग रहा है तो सूडो फोर्स कहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में एम ए लगेगा ठीक है सर ये एंगल अगेन थीटा है तो सर ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा कॉम्पोनेंट एम ए कॉस थीटा का और ये जो कॉम्पोनेंट हो जाएगा प्लस में एम ए साइन ठीटा तो अगर आपसे कोई नेट फोर्स पूछे कि भाई नेट फोर्स नीचे की तरफ कितना लग रहा है इस डायरेक्शन में नॉर्मल की डायरेक्शन में तो आप बता दोगे इजीली कि सर वो कितना लग रहा है एम ए साइन ठीटा प्लस में एम जी कॉस टीटा और सर ये किसके इक्वल है सर ये

ठीक है अब अगर आपसे पूछे कोई पूछा कि सर टेन थीटा की वैल्यू क्या हम निकाल सकते हैं क्या तो टेन थीटा तो इजली निकल जाएगा कैसे निकल जाएगा सर ये थीटा है सर ये है क्या है थीटा है सर ये परपेंडिकुलर है ये बेस है ठीक है ये परपेंडिकुलर और एक क्या है बेस है तो टेन थीटा की वैल्यू सोच के देखो क्या हो जाएगी हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोच के देखो सर ये हो जाएगा सर इन दोनों को इक्वल कर दो सर ये हो गया एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा तो सर एम ने एम को मार दिया और जो टेन थीटा की वैल्यू आ रही है g क्या यही आ रही है एवरी वन क्या यही आ रही है यस सर क्लियर है सो दिस इज द फॉर्मुला ऑफ मतलब थीटा से भी अगर आपको कोई खेलने को बोले तो आप इजिली खेल सकते हो दिस इज वाई दैट्स वाई दैट इज वाई आई हैव एक्सप्लेन यू दिस इज दिस क्लियर टू एवरी वन क्लियर है सभी को ये जो भी बताया यस yes. चलो कुल cool, ठीक है अब ध्यान से देखो कि किलेट सपोज इस क्वेश्चन में हमें जो है पी ए की वैल्यू फाइंड करना है प्रेशर एट पॉइंट ए ये रहा आपका पॉइंट ए ठीक है ये रहा आपका पॉइंट ए मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या गिवन है आपका राइट हैंड साइड में ये जो ब्लॉक है ये जो पूरा कंटेनर है ये टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कर रहा है नीचे की तरफ इस पे जो जी लग रहा है वो तो लग ही रहा है आपको पता है ठीक है आपको जो है इस ए पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है और ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है मीटर ठीक है और ये भी कितने का है फोर मीटर का है और ये टोटल कितने का है सिक्स मीटर का है तो फाइंड करके बता दो फटाफट मुझे क्या आंसर आएगा पी ए की वैल्यू क्या होगी वट वुड बी द वैल्यू ऑफ पी ए करना आपको कुछ नहीं है सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम पढ़ते आ रहे हैं ठीक है तो पहला मेथड तो आपका यही हो जाएगा पहले तो ये देख लो कि सर इसमें कितने एंगल से टिल्ट हुआ है तो सर हमें दिख रहा है सर ये डिस्टेंस फोर मीटर है और ये डिस्टेंस भी फोर मीटर है तो टेन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास क्या वो फोर्टी फाइव हो जाएगा थीटा की वैल्यू फोर्टी फाइव ठीक है यहां से भी पता चला फोर्टी फाइव है और यहाँ से भी पता चला कि सर टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है ए बाई जी होती है सर ए बी टेन है और जी बी टेन है तो ये हो गया वन और थीटा की वैल्यू हो फोर्टी फाइव ठीक है तो थीटा की वैल्यू हमें पता चल गया सर फोर्टी फाइव डिग्री है ठीक है अब हमें पता है कि सर अगर इस पॉइंट पे मुझे क्या फाइंड करना है प्रेशर फाइंड करना है पी ए तो पीए की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी पीए की वैल्यू हो जाएगी सर अगर मैं इस पॉइंट से देखूँ यहाँ तक लिक्विड है तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना है पी नॉट है तो सर यहाँ से फोर मीटर नीचे आ रहा हूँ तो प्रेशर कितना हो जाएगा सर क्या प्रेशर पी नॉट प्लस में एच जी हो जाएगा और एच की वैल्यू कितनी है फोर जी तो पीए की वैल्यू हो गई पी नॉट प्लस में फोर जी दिस इज द फर्स्ट एंड वन ऑफ द सिंपलेस्ट थिंग जो हमें आता है ऑलरेडी हमने किया हुआ है यस और नो यस और नो यस सर ठीक है सेकेंड मेथड क्या है सर सेकेंड मेथड हमें पता है कि भाई जो है अगर मुझे इस पॉइंट पे प्रेशर फाइंड करना है तो पी ए की वैल्यू जो होगी वो पी नॉट प्लस एच फोर रो जी होगी जहां पे जी और ए दोनों इक्वल है क्योंकि थीटा के लिए फोर्टी फाइव डिग्री है तो मैंने इसको लिखा पी नॉट प्लस में फोर रो ए भी लिख सकते हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल दिस इज द मैथड नंबर टू मैथड नंबर थ्री है जो मुझे एक्सप्लेन करना है ठीक है क्योंकि हमें पता ही था मैथड नंबर थ्री क्या है कि अब ना आपने इसको रेफरेंस मान लिया है आपने क्या रेफरेंस माना है बच्चा इसको, reference है. इसको आपने रेफरेंस माना है, इसको अगर आपने reference माना है तो पक्की बात है सर यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके मुझे डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा यस और नो और सर ये रेफरेंस पॉइंट पे प्रेशर कितना है जो परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ करा है उस पर प्रेशर कितना है पी नॉट है तो मैंने पी ए की वैल्यू क्या लिखी है पी नॉट यस और नो क्या क्लियर है ये सभी को यस सर ठीक है अब मैंने अगर इसको रेफरेंस माना है पहले मैंने रेफरेंस इसको माना था रेफरेंस लाइन पहले मेरा ये था अब मेरा रेफरेंस लाइन ये है अगर रेफरेंस लाइन ये है तो सर मुझे इस पॉइंट पे देखा मैंने प्रेशर पी नॉट था और मुझे यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि मैंने जब रेफरेंस ये था तो मैंने परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस फाइंड करा था तो अब ये परपेंडिकुलर मेरा ये है तो मैं ये डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो ये डिस्टेंस मैं फाइंड करने का काम मेरा आसान है क्योंकि सर मुझे पता है सर ये फोर्टी डिग्री है ये नाइन डिग्री है तो ये कितना हो गया फाइव डिग्री हो गया ठीक yes no? yes, yes no? yes, है. तो ये अगर मैं इसकी value find करूं, तो इसकी 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 तो कितनी कितनी हो 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 जाएगी जाएगी जाएगी. सोच के देखो. टू हाइपोटेनियस यस और नो या फिर ये देखो टेन थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस ये वैल्यू निकाल दोगे निकाल के बताओ कितनी होगी सोच के देखो सर ये 90 है ठीक है ये आपका फोर्टी फाइव था तो ये कितना हो जाएगा सर फोर्टी फाइव हो जाएगा यस और नो यस सर यह फोर्टी फाइव ये नाइन्टी ये तो ये कितना हो गया सर फोर्टी फाइव हो गया तो यहाँ पे साइन फोर्टी फाइव लगा दो सर साइन फोर्टी फाइव की वैल्यू कितनी हो गई सर ये हो गई कितनी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो परपेंडिकुलर क्या है ये है हमें ये नहीं फाइंड करना हमें ये फाइंड करना है तो सर मैं कॉस फोर्टी फाइव अप्लाई करूंगा तो क्योंकि ये बेस है इस ट्रेंगल में तो सर कॉस फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा कॉस्ट 45 या तो फिर अगर इसके रेस्पेक्ट में लेता तो ये भी लगा सकता था ना कॉस फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा? सर बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो हमें आगे फोर इंटू वन बाई रूट टू तो एक्स की वैल्यू फोर बाय टू इज दिस क्लियर टू एवरी वन यस सर ठीक है अब आपने रेफरेंस ये लिया था तो एच की वैल्यू आपकी ये होगी तो आपने क्या लिखा एच रो इंटू जी तो एच की वैल्यू आगे फोर रूट

जी तो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो चाहे ये कर लो बट ये आपको समझ में आना चाहिए जैसे ही मैंने रेफरेंस पॉइंट चेंज किया तो क्या आपका चेंजेस होगा क्या चेंजेस होगा अगर रेफरेंस पॉइंट चेंज करने से इज दिस क्लियर टू यस सर चलो कुल ठीक है नेक्स्ट <coughs> क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इस चैप्टर का पीडीएफ है ना मोस्ट प्रॉबली आज रात को या कल तक है ना आपको जो है यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन लिंक में तो मैं डाल दूंगा ठीक है सो दिस इज वॉट वी हैव एक्चुअली ठीक है कि भाई अगर आपका रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा है तो आपके रोजी एच में जो जी होगा वो जी इफेक्टिवली होगा और जो एच होगा वो आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जो भी आपका रेफरेंस होगा वो ठीक है चलो ये क्वेश्चन करके बता दो मुझे फटाफट सभी लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन स्टूडेंट्स द क्वेश्चन इज वॉट इज द मैक्सिमम ऑरिजेंटल एक्सेलरेशन कैन द बकेट बी मूव्ड विदाउट स्पिलेज

सर वाटर का लेवल और आपके ग्राउंड तक का जो डिस्टेंस है डेट इज़ फोर मीटर ठीक है तो हमें लॉजिकली पता चल गया कि सर ये जो डिस्टेंस है डेट इज़ टू मीटर ठीक है सर ये टू मीटर है कोई डाउट हो तो क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क अदरवाइज खुद से ट्राई करो आया क्या किसी का आंसर बताओ yes, क्या आंसर आया sir, के जितना होगा कैसे देखो सिंपल सा लॉजिक है बच्चों सिंपल सा लॉजिक है कि सर ये वाटर ऊपर कितना ही आ सकता है सर मैक्सिम यहाँ तक आ सकता है क्या इससे ऊपर जाएगा ये क्वेश्चन ने बाउंड किया हुआ है उससे ऊपर आप जा नहीं सकते अब इससे ऊपर नहीं जा सकते तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी बिल्कुल 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 ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी और मुझे पता है कि सर इसको मुझे यहाँ तक तो लेकर ही जाना है दैट इज द मैक्सिमम केस तो पक्की बात है कि सर ये वाला जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस होगा दैट शुड बी सेम और ये सेम होगा तो पक्की बात है कि सर ये टोटल कितना हो गया ये फोर हो गया सर ये पहले से ही फोर गिवन है तो मैंने थीटा की वैल्यू फाइंड कर दी कि भाई ये थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी वन इन दैट केस मैक्सिमम के लिए तो सर थीटा की वैल्यू हो गई मेरे पास कितनी सर थीटा की वैल्यू हो गई फोर्टी फाइव डिग्री और मुझे ये तो पता है कि सर टेन थीटा की वैल्यू कितना होता है सर ए होता है अपॉन जी होता है ए मैक्स के लिए टेन थीटा कितना हो जाएगा वन हो जाएगा तो सर ए मैक्स की वैल्यू होगी कितनी मैक्सिमम जी हो सकती है उससे ज्यादा होने वाली नहीं उससे जैसे ही ज्यादा होगा तो पानी आपका बाहर निकल जाएगा इज दिस क्लियर टू फिर से सुन लो क्या कह रहा हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कैन द बकेट बी मूव्ड विदाउट स्पिलेज तो इस पानी को आपको बाहर नहीं लाना है इस पानी को बाहर नहीं लाना है तो मैक्सिमम जो वाटर है वो कहां जा सकता है यहाँ तक जा सकता है जब यह वाटर यहाँ तक जा सकता है तो मतलब यहां तक का एक वाटर ऐसे बना लो ये वाटर 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 और ये पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा मतलब ये पूरा का पूरा कहाँ शिफ्ट हो गया इधर शिफ्ट हो गया सर ये वाला टू मीटर है तो पक्की बात है ये भी कितना होगा टू मीटर होगा तो मुझे ये क्लैरिटी आ गई कि सो मैक्सिमम यहाँ तक जा सकता है

मुझसे भी क्वेश्चन पूछना तो भी मुझे पता चल जाता है जा तो छलकने लगेगा वो बाहर आने लगेगा इट वु कैसा है अरे ए बाई जी तो अभी तो हमने डिराइव किया था यार कौन से देश में हो आप है ना ये यही तो डिराइव किया था ना इधर लग रहा है इधर लग रहा है है दोनों तो ठीक है अब आपका जो जो नेक्स्ट है दैट इज प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन क्लोज्ड एक्सलेशन कंटेनर ठीक है एक्सेलेटेड कंटेनर तो अगर भाई आपका पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो क्लोज है अगर पूरा का पूरा जो कंटेनर है वो क्या है क्लोज है और ये बिल्कुल भी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है मतलब पानी इधर उधर नहीं जा सकता तो सर पक्की बात है आप इस कंटेनर की वेलोसिटी तो कुछ भी कर लो एक्सेन कुछ भी कर लो बट अगर आप वाटर के रिस्पेक्ट में बात करोगे तो उसकी जो ए की वैल्यू होगी हमेशा क्या होगी जीरो होगी क्योंकि आपने बिल्कुल जो वॉल्यूम है वो फुल पैक्ड है तो वाटर में कोई मूवमेंट होने वाला नहीं है इज दिस क्लियर Is that clear? क्या फील कर पा रहे हो यार ये या सोचो ना सीधी सी चीज है कि सर ये पूरा भरा हुआ है। है है एक हिंदी में एक एक पता हिंदी में ना तो वही छलकता है, तो है।, है तो कि, कि, लेके जाओ इसमें कोई भी एक्सेलेशन होने वाला नहीं है मतलब एक ही जीरो होगी किसमें किस में वॉटर में वाटर आपका बिल्कुल स्टेबल रहेगा बिकॉज जो वॉल्यूम है वो बिल्कुल पैक्ड है इज दैट क्लियर यस सर ठीक है चलो कुल cool. बाकी इसमें अब बाकी चीजें तो हमें पता ही है कि सर अगर हमें इसमें कोई चीजें फाइंड करनी है तो वो जो है पुराने वाले कंसेप्ट इजिली फाइंड कर सकते हैं ठीक है बढ़िया क्वेश्चन है इसको करो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको बट इजी क्वेश्चन है सिंपलेस्ट क्वेश्चन है लेट मी एक्सप्लेन यू द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज द लिक्विड सॉस Uh, li the liquid shown in the two arms are mercury A specific gravity is 13.6 of watt and water if the difference of height of the mercury column is 2 centimeter find the height of water column that is how much तो सिंपल सी चीज है भाई कि हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है किसकी मर्क्यूरी की ठीक है तो स्पेसिफिक स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है दैट इज समथिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू कि क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी वही आपके रिलेटिव डेंसिटी के इक्वल होती है और यहाँ पे बोला भी है वॉटर के रिस्पेक्ट में लेना है ठीक है और बोला है कि भाई दो आर्म्स है इफ द डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम इज टू सेंटीमीटर मर्क्यूरी के कॉलम में जो हाइट का डिफरेंस है मर्क्यूरी के कॉलम में जो हाइट का डिफरेंस है वो आपको दिख रहा है वो कितना है टू सेंटीमीटर फाइंड द हाइट ऑफ वाटर कॉलम

बच्चों किसी का हो जाए तो बता देना मुझे प्लीज देखो। तो देखो सिंपल सा ही क्वेश्चन था तो अगर ऐसे क्वेश्चन में ऐसे एक क्वेश्चन नहीं है ऐसे आपके एनसीईआरटी अगर आप उठाओगे तो यू विल गेट लॉट्स ऑफ क्वेश्चन ठीक है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए लिखा हुआ है प्ले विथ प्रेशर हमें प्रेशर के साथ खेलना है कैसे खेलना है हमें वो पॉइंट रिकग्नाइज करना है जहां पे प्रेशर सेम हो तो हमें पता है कि सर वो तो वो कौन सा पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट सर उनका इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है पे दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में सर ये पॉइंट है तो यहां पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन कर दी मैं यहाँ पे प्रेशर बिल्कुल फाइंड कर कर सकता हूं। कैसे कर सकता कैसे सर पी नॉट प्लस में तो 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 ये डिस्टेंस हमें पता ही है तो यहाँ पे प्रेशर मिल गया और सर यही वाला लिक्विड यही वाला लिक्विड यहां पर भी है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा पी नॉट प्लस में एच रोजी यहाँ पे जो डेंसिटी हो होगी वो किसकी लेंगे हम किसकी लेंगे ये जो डेंसिटी है बच्चों ये किसकी डेंसिटी है वाटर की डेंसिटी है क्योंकि देखो वाटर है वाटर है वाटर है ऊपर इज दैट क्लियर टू एवरी क्लियर है क्या ये सभी को यस सर ठीक है पूरा भी सॉल्व करना है तो बताओ कर दू छ आगे बढ़े आगे सर चलो कूल cool, ठीक है तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था आपका ऐसे क्वेश्चन एक बार मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं ताकि जिस बच्चों को डाउट हो उसको क्लियर हो जाए बिकॉज ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत देखने को मिलेंगे तो देखो इस पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो कितना होगा दैट वुड बी पी नॉट प्लस में एच रोजी यहाँ पे ध्यान रखना है पी नॉट क्या है एटमोस्पियर प्रेशर है एच क्या है ये हाइट है रो क्या है सर इस वॉटर की डेंसिटी है जी क्या है आपको पता है ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है तो ये हो गया पी नॉट प्लस एच रोजी इस पॉइंट पे सर इस पॉइंट पे, पे प्रेशर क्या होगा सर यहाँ पे पी नॉट है तो पी नॉट प्लस में एच वन इंटू रो जी ठीक है बट यहाँ पे जो डेंसिटी होगा वो किसका डेंसिटी होगा मर्क्यूरी का होगा हमें क्या गिवन है स्पेसिफिक ग्रेविटी तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब रिलेटिव डेंसिटी गिवन है रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू मर्क्यूरी की डेंसिटी अपॉन में एच जी अपन में रो मतलब रो किसका है आपका वाटर का है तो रो ऑफ एच जी कितनी आ गया? आ गया. तो यहाँ पे रो ऑफ एच जी क्या लिख दोगे आप रो ठीक है बाकी चीजें आसान है ने पीनोट पी पी को मार दिया और यहाँ पे एच वन की वैल्यू फाइंड करनी थी सो तो इजिली आपने फाइंड कर ली इज दिस क्लियर टू एवरी वन यस सर चलो बहुत बढ़िया सभी को क्लियर है तो ठीक है ये क्वेश्चन करो ऐसे यूट्यूब वाले बहुत क्वेश्चन आते हैं दिस इज नॉट एक्चुअली यूट्यूब जो हम यूज करते हैं यूट्यूब इज समथिंग फ्रॉम फ्लूड मिकेनिक्स मी एक्सप्लेन यू द्वेश्चन जो जिन्होंने क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा इन ओपन यूट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कंटेन्स सम मर्च्यूरी वेन फोर्टी पॉइंट एट सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वॉटर इज फोर्ट इन वन आर्म ऑफ यूट्यूब फाइन द हाइट फाइंड दाइंड हाउ क्या है फाइंड हाउ हाई डज द मर्क्यूरी राइज इन अदर आम फ्रॉम इट इनिशियल लेवल तो भाई अदर आम में मतलब सिंपल से क्वेश्चन है कि ये आपके में पहले से एच डी मर्क्यूरी रखा हुआ था यहां पर आपने कुछ अमाउंट ऑफ वॉटर डाला तो जैसे वॉटर डालोगे तो पक्की बात है सर ये नीचे की तरफ प्रेशर बिल्ड करेगा या फिर फोर्स अपलाई करेगा उसकी वजह से कितना ऊपर आएगा दैट इज समिंग यूनिट टू आस यूनिट टू फाइंड आउट इज दैट क्लियर क्या क्वेश्चन क्लियर है हमें yes, है ना फाइंड करके बता दो बटा फिर बता दो वाटर की लेंथ गिवन है दैट इज द गुड थिंग कि क्या गिवन है तो आई थिंक यू कैन इजिली फाइंड आउट आंसर तो थ्री आ रहा है चलो एक आंसर थ्री आ रहा है आप बाकी भी ट्राई करो थ्री इज नॉट आंसर आंसर इज वन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर I'm asking again. Did anyone get the answer? क्या करना है मैं आपको सीधी सी बात बताता हूँ कि सर अगर आपने वाटर को अंदर डाला तो क्या होगा सर वाटर अंदर जाएगा दोनों मिक्स नहीं होगा ये तो सभी को क्लियर है कि वाटर और मर्क्यूरी कभी आपस में मिक्स नहीं होंगे ठीक है तो ये तो कंफर्म है कि सर वाटर जितना लेट सपोज अगर पहले लेवल ये था इनका देखो ये लेवल बना दिया मैंने ठीक है अगर ये एच जितना नीचे जाएगा तो सर यहाँ से एच जितना ऊपर आएगा क्या ये क्लियर है हमें ठीक yes, है तो सोच के देखो क्या पूछ रहा है फाइंड हाउ हाई डज द मर्क्यूरी राइज इन अदर अदर आर्म में जो मर्क्यूरी कितना ऊपर गया तो जो मतलब जो आर्म है वो कितना था इतना था आपका ठीक है यहां ध्यान से देखो इनिशियल लेवल ये था ये था ये था ये था, ये था. कितना ऊपर गया एच जितना तो यही आपको एज फाइंड करना है तो देखो बता देते हैं सिंपल सी चीज है हमें तो सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है क्योंकि हमने बाकी कैलकुलेशन कर लिया तो सर ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ये ये मैंने आपका यहाँ पे पॉइंटोन लाइन भी ड्रॉ कर दी है और इसका कैलकुलेशन तो हमें पता ये, सर, H जितना नीचे गया तो एच जितना ऊपर गया तो टोटल कितना है टोटल कितना 2H है बच्चा टू एच है again, क्या टोटल टू एच है टोटल टू एच है यस सर ठीक है तो सर यहाँ पे प्रेशर क्या होगा सर यहाँ पे होगा एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस में एच रो जी एच की वैल्यू गिवन है दैट इज आई थिंक ठीक है तो ये वैल्यू पुट कर दो फोर्टी पॉइंट एट इंटू एच इन रो रो क्या है रो है आपका डेंसिटी ऑफ वाटर है ठीक है ये मतलब इस साइड में हमें सब कुछ ही पता है सर यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे प्रेशर फाइंड करना तो ये कितना हो जाएगा सर पी नॉट एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस में ये डिस्टेंस कितना है सर ये टू एच है इंटू में रो इंटू जी ठीक है रो इंटू जी तो रो के केस में क्या करोगे

Do we have any doubt? नी no, डाउट everyone. एवरी वन no. Pankti, Man, Ritika मान Hitesh Mishra, Harshil, Hansika, हर्षिल Ayushi. Yes sir. Chalo cool ठीक तो है तो ऐसे ये क्वेश्चन आपका जे एडवांस में आया हुआ है ठीक है दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस ठीक है ठीक है ये एडवांस का क्वेश्चन है बट सिंपल है अगर हमें आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है ठीक yes, है चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है कोशिश करो राइट थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने इंटेंसली डाला है बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि मैं फ्लूड मैकेनिक्स जिसको भी पढ़ाता हूँ उसको एडवांस लेवल तक का क्वेश्चन वो करने के लिए कैपेबल हो जाता है क्लास में ही आई नॉट कि आप जो है इधर उधर जाओगे आप क्लास में ही कैपेबल हो जाओगे

तो ये वाला यहाँ से एक ऑरिजोनटल लाइन ड्रॉ कर दो और यहाँ तक इनके बीच का डिस्टेंस आपको गिवन है दैट इज सेंटीमीटर राइट ट्राइंग ट्राइंग टू टू फाइंड द हाइट डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल इन द टू ठीक है दोनों टैंक में जो वाटर लेवल का डिफरेंस है दैट इज समिंग आर ट्राइंग टू आस्क तो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि सर इसमें यहाँ तक फील्ड है इसमें यहाँ तक फील्ड है और ये जो डिफरेंस है मतलब लेट सपोज कि ये अगर आपने इसको रेफरेंस लिया है तो सर अगर ये एच है और ये एच है सो यू नीड टू फाइंड एच टू या फिर एच वन एक्चुअली क्या क्लियर है सभी को क्वेश्चन ने पूछा क्या है ठीक yes, है चलो कोशिश कर रहे हैं मैं बताऊं ये भी सिंपल सी चीज है बच्चा हमको पहले तो ये रेकग्नाइज करना आना चाहिए ये रेफरेंस पॉइंट कैसे करा तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता दिया क्वेश्चन ने जैसे बोला हमने एडिटिज कर दिया तो मुझे पता है सर इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इन चारों ही पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू क्या होगी सेम होगी क्या ये फील कर पा रहे हो आप लोग यस सर। ठीक है अब ये फील कर पा रहे हो तो फिर अब कुछ करना तो है ही नहीं सर यहां पे प्रेशर कितना होगा सर होगा पी नॉट प्लस में एच वन रोजी सर यहां पे कितना होगा सर पी नॉट प्लस में एच टू रोजी होगा नहीं होगा सोच के देख बिल्कुल होगा ठीक है ना अब इनको इक्वल करो और यहां पे प्रेशर कितना होगा यहां पे सोच कितना होगा यहां पे कितना होगा सोच के देखो थोड़ा सा देख लो जिसको नहीं आया एक बार देख लो फटाफट यहां पे। यहां पे तो हमने फाइंड कर ही दिया है ऑलरेडी यहां पे कितना है सर पी नॉट प्लस में एच वन रोजी सर यहां पे कितना है पी नॉट प्लस में एच टू रोजी एंड एक्चुअली वी डू नीड टू फाइंड एच टू माइनस एच वन या एच वन माइनस एच टू जो भी फाइंड कर लो ठीक है अब डेट सपोज मैंने यहाँ पे देखा सर मुझे यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है तो मुझे इसको यूज करना है ठीक है फैन देखा कि सर यहाँ पे ना मैंने एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ क्यों करा क्योंकि सर मुझे पता है कि सर ये वाला जो मीडियम है ये जो भी यहाँ पे ये एयर है ठीक है जो भी है ठीक है तो यहाँ पे जो प्रेशर है जो यहाँ पे है दैट शुड बी सेम तो मैंने क्या करा सर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई करा क्या करा मैंने पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई करा अब अगर मुझे पी एक्स फाइन करना है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी सोच के देख पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोच के देखो कितना होगा बच्चों पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी ध्यान से देखो ये टोटल डिस्टेंस कितना है एच वन है सर ये कितना है? सर ये y है ये y है है ना अगर ये वाई है तो पक्की बात है सर ये हो जाएगा पी नॉट ये देखो ये लाइन ड्रॉ करो पी नॉट प्लस में एच वन माइनस में वाई इन रो जी इज दिस क्लियर टू एवरी वन Is equal to PX. क्या ये सभी नो सर नो सर क्यों भाई नो no, सर ध्यान से देखो कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये कौन सा लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सर यहाँ पे अगर मैं पी एक्स की वैल्यू फाइंड करूँ ठीक है तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा और जो यहाँ पे होगा बोथ शुड भी सेम क्यों क्योंकि तो हमें दिखी दे रहा है ऑलरेडी तो पे प्रेशर कितना होगा सर पी नॉट प्लस में एच रोजी एच क्या है इस डिस्टेंस के लिए ये है तो ये डिस्टेंस वाई है ना तो कितना हो गया सर एच वन माइनस वाई और वाई की वैल्यू तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ही गिवन है दैट इज सेंटीमीटर तो यहाँ पे पी एक्स का हमने प्रेशर फाइंड कर लिया सर दूसरे परस्पेक्टिव से सो सोचे तो सर ये वाला जो आपका ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है सर पी एक्स इज इक्वल टू पी वाई है क्यों है क्योंकि सर ये इस केस में हम ये एयर वाला मीडियम ले रहे हैं सेम सेम लाइन वाले कंसेप्ट से तो सर यहां पे मैंने क्या करा पी एक्स इज इक्वल टू पीवाई करा तो पीवाई की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो वो कितना होगा होगा सोच सोच के के देख देख थोड़ा सा कितना पीवाई वाला फिर से समझो यार देखो क्या करना है पीवाई पे मुझे प्रेशर फाइंड करना है ठीक है पे प्रेशर फाइंड करना है तो मुझे पक्का पक्की बात पता है मैं पीवाई पे डायरेक्टली नहीं लिखूंगा प्रेशर क्योंकि मुझे पता है कि सर मुझे एच और वाई में रिलेशन चाहिए एच टू और वाई में रिलेशन चाहिए ठीक है अब मुझे ये पता है कि सर यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे यहाँ पे हमने प्रेशर कितना फाइंड किया? किया है एवरी वन ये, ये तो क्लियर है? Yes, तो है ये सेम लेवल का है ठीक है हमें ये पता चला सर ये पी नॉट प्लस में एस टू इंटू रो इन जी तो ये देखो पी नॉट प्लस में एस टू इंटू रो इंटू जी ठीक है अब मुझे पता है कि सर अगर मुझे यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ तो क्या होगी डिक्रीज होगी नो yes no? से जब मैं ऊपर तो प्रेशर की वैल्यू क्या होगी बोलना पड़ेगा आप लोगों को डिक्रीज होगी डिक्रीज डिक्रीज कितना होगी सर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है सर वाई है तो कितना हो जाएगा रो इंटू वाई इंटू जी इतना डिक्रीज होगा यस और नो यस सर तो मैंने वही तो किया पी नोट प्लस में h2 रो g माइनस में माइनस -2 रो y into g यस या, या माइनस आएगा माइनस आएगा ठीक है अरे अब तो बोलो क्लियर है अभी फिर से बताओ फिर से बताओ क्या और आपको p y तो, को p y को इक्वल करो एंड यू विल गेट द आंसर आपको फाइंड क्या करना है h1 s2 करना है चलो ठीक है कूल ठीक है तो फाइंड करके देखना फोर सेंटीमीटर आ रहा है पीडीएफ विल बी शेयर टुडे हो जाएगा आगा आगा आपको share, question, आज आपको शेयर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आज पीडीएफ शेयर हो जाएगा तो आप इसको ट्राई करना दैट विल बी डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ठीक है फिर हम स्टार्ट करेंगे फ्लूड डायनेमिक्स सो हमने तीन लेक्चर जो है कंज्यूम करे हैं टू अंडरस्टैंड स्टैटिक फ्लूड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट फ्लूड डायनेमिक्स कि अगर फ्लूड मोशन में है ठीक है तो क्या क्या चेंजेस आएगा और हमें इस यहीं पे बर्नौली थ्योरम भी पढ़ना है यहीं पे हमें स्टॉक्स लॉ भी पढ़ने हैं यहीं पे हमें विस्कोसिटी भी पढ़ना है, है, ठीक उसके आगे हमें सरफेस टेंशन पढ़ना है आगे बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं बट स्टैटिक का यहाँ तक इज द लास्ट लेक्चर फॉर द स्टैटिक में कोई डाउट हो, चलो ठीक है ठीक है, तो, no. no. है चलो चलो ठीक है बाय Bye, sir.